ऐसी से गाड़ी का बजा बुफर चलना चूतिए जेंटलमैन हमें बालक देसी। अभी रील्स बना रहे फनी रील्स वगैरह ये वो सो करके, जितना गिराना है गिरा लो, इतनी ऊपर रखूंगा ना भाई को छू नहीं पाओगे। अच्छा राजा जी क्या लग रहे हो, बाराती लग रहा है भोसड़ी के, जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। नमस्कार मेरे प्यारो भाइयों और बहनों, अब देखो अनुराग डोवल तो बिग बॉस को कंटेंट देने वाला नहीं, तो फिर हम किस खेत के मूली हैं? लेकिन 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 बेशक ये कंटेंट नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसका कान पकड़ के हगवाएंगे इससे कंटेंट। अच्छा अब जरा दिमाग को थोड़ा जोर दो कि आखिर अनुराग बिग बॉस को कंटेंट दे क्यों नहीं पा रहा है। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। या राइट, क्योंकि इसका सारा कंटेंट तो इसके घर पर ही छूट गया। अब ओनली कैमरामैन बिग बॉस में जाकर क्या करेगा? नथिंग, बिकॉज बिग बॉस के भी कैमरे पहले से ही सेट रहते हैं। मैं जानता हूँ, जा निकल, कोई काम नहीं तेरा। अब जो काम हमें करना चाहिए वो काम तो बिग बॉस कर रहा है। अनुराग ने जोक मारने की कोशिश करी, आप लोगों ने ताली भी नहीं बजाई। अनुराग बाबा का अगर प्रवचन पूरा हो गया हो तो। अब बिग बॉस और सलमान खान मिलकर बात बात पर बाबू भैया के पछवाड़े में मिर्ची झोंक दे रहे हैं। अनुराग आइए। चलो सर, फाइनली आपको याद तो आया कि अनुराग डोभाल भी 17 कंटेस्टेंट में है सर। यार आप नहीं देखोगे तो हमको तो आपको ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा ना यार। कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस भी इसके अंदर सर बहुत कमी है फिलहाल। और एक लास्ट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ सर क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अपने डिसीजन अभी ना लोगों के सामने रखना सीखी है। सब चीजों के बावजूद आपसे ज्यादा दिखाई दे रही। लेकिन नादान बाबू भैया उस मर्ची के जलन से ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि पब्लिक उसे एंटरटेनमेंट समझ बैठे। A few moments later लग जाती है। मैंने आपको मेरी, कभी बोला पोलाइट होने? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। अच्छा मुझे तो ये उन लोगों के ओपिनियन पे चल रही है जिनके ना घर में अभी लोग सुन रहे हैं। इन सब चीजों के बावजूद आपसे ज्यादा दिखाई दे रही है। अब जब तुम्हें कंटेंट हगने का टैलेंट नहीं है तो ऑब्वियसली लोग तुम्हें कंटेंट का छोट तो बना ही देंगे ना, क्यों नहीं। और यार मुझे तो लगता है कि बिग बॉस वालों से ज्यादा टैलेंट तो इसका भाई है, क्योंकि बिग बॉस वाले तो बाबू भैया से कंटेंट हगवा नहीं पा रहे हैं और उसका भाई उसी के नाम पर कंटेंट हग रहा है। सोचा नहीं था कि अनुराग बाबा बिग बॉस के घर में खाना बनाना सीखेंगे। अरे शुक्र है कि तेरे भाई को हगना आता था, नहीं तो अभी उसे बिग बॉस के घर में ही सीखना पड़ता। सोचा नहीं था कि बिग बॉस में बाबू भैया बन जाएंगे अनुराग बाबा। अबे अभी तो बाबा ही बना है, अगर बिग बॉस में एंड तक रह गया ना तो मम्मी भी बनने लायक नहीं रह जाएगा तुम्हारा भैया। सोचा नहीं था कि बिग बॉस में बाबू भैया को आ जाएगा गुस्सा। अबे जैसे गुस्से तेरे भैया को बिग बॉस में आते हैं ना, वैसे गुस्से तुम्हें दीवार पर सुसु के रास्ते निकाल देता हूँ। क्या बात है। और भाई तू नेक्स्ट ब्लॉग इस टॉपिक पर बना। सोचा नहीं था अनुराग बाबा को बिग बॉस के घर में सलमान खान और बिग बॉस मिलके पेलेंगे। बाबू भैया रो रहा है, ये तो मालूम है क्यों बिग बॉस को कंटेंट नहीं दे पा रहा है, और ये मुनावर क्यों रो रहा है, शायद पिछले वीडियो में इसे रोस्ट कर दिया था तभी। अब देखो अब तक बिग बॉस में बाबू भैया की जितनी भी लड़ाइयां हुई वो एक ही चीज के लिए हुई, जॉबिंग है क्या? सुबह काटा भाई क्या? तो अब बाबू भैया को भी रियलाइज हो गया। अरे लड़कियां झाड़ू पकड़ के अच्छा लगता है। अच्छा क्या बात कर रहे हो, लेकिन मेरा मन था इसलिए मैंने कर दिया, रोज रोज नहीं करता। सोचा नहीं था बाबू भैया के हाथों में एक्सीलेटर की जगह झाड़ू होगा। अब देखो मुझे पता होगा कि आप लोग भी मेरी तरह बिग बॉस नहीं देखते होंगे, क्योंकि बिग बॉस से तो अच्छी हमारी वीडियोस आ रही है। हम और आप बिग बॉस को अवॉइड तो कर सकते हैं, बट अनुराग बाबा के घर वाले बिग बॉस को कैसे अवॉइड करेंगे? बेशक अनुराग बाबा कंटेंट नहीं दे रहे हैं, और अनुराग के फैमिली मेंबर देख लिए वो सीन जिसमें बिग बॉस और सलमान खान मिलकर अनुराग के पछवाड़े में मिर्ची झोंक रहे हैं, तो इसके भाई से रहा नहीं गया। भैया अगर हमारे भाई के साथ ऐसा होता तो क्या हम आवाज नहीं उठाते? नहीं। लोग अभी रील्स बना रहे फनी रील्स वगैरह ये वो सो करके कि ये हो गया वो हो गया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई मैं ना एक चीज कहूंगा कि जितना गिराना है गिरा लो, पर मेरा भाई कंटेंट तो नहीं हगेगा।
मैं साथ में खड़ा हूँ, इतनी ऊपर रख दूंगा ना भाई को छू नहीं पाओगे। अच्छा, सो आई डोंट गिव अ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, दुनिया अलग हो जाएगी भाई, दुनिया उसे अकेला छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। देख भाई, अब फालतू का ज्ञान मत पेल, माना वो बिग बॉस के घर में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो क्या तुम लोग उसे अपने भी घर में सरवाइव नहीं करने दोगे? उसके दम पर घर चलता है, छोटे सोच समझ कर बोला कर। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुराग बाबा बिग बॉस में विनर बन पाएंगे या फिर नहीं? नहीं। जब ये नहीं विनर बन पाएगा तो फिर मुनव्वर फारूकी तो एकदम नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता? अरे हिंदू द्रोही जो है वो, खैर कुछ भी हो वो सब तो अब आप लोगों के हाथ में है, और जब ये आपके हाथ में है तो फोन भी आपके हाथ में ही होगा, तो उसी फोन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए हमें याद रखना, नाम है प्रेम मिलर।